तैयारी कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट वॉइस ट्रिप की। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वियतनाम जा रहे हैं हम वॉइस ट्रिप पे। तो आज चल रही है तैयारी, तैयारी में निकालते हैं क्या क्या करना है। मुंह तो सारा बहुत खराब है। अभी हम जा रहे हैं सेव लेने, सेव, क्योंकि वेज लोगों के साथ जा रहा हूँ मैं, यही खाएंगे हम आज, तो यही लेंगे आज और वहाँ पर यही खाएंगे। ये एक रिसिप्ट का चेक करना है यार, रिसिप्ट का कोई लफड़ा तो नहीं हुआ क्या? जैसे देख, मैं मुंबई से, तुम दोनों इधर से। नहीं, मैं रिसिप्ट तो चेक करते ही नहीं सर, सिर्फ फंड चेक करेंगे। हाँ, चेक करेंगे कितने पैसे हैं आपके पास और बस, ज़्यादा ज़्यादा नहीं होने चाहिए बहुत सारे रिसिप्ट वगैरह। तो ठीक है, तू फोटो तो भेज ही रहा ना रिसिप्ट की। हाँ, बस क्या दिक्कत। हमारी बुकिंग वगैरह सारी हो चुकी है, हमने यहीं से सब कुछ करा दिया है ऑलमोस्ट। मेरे पास कल उसका मैसेज आया था, वो एयरबीएनबी वाली का ना, उसने जिससे अपन बात कर रहे थे हनोई के लिए, हलोंग बे के लिए, वो पूछ रही थी कराना है कि आपको ये बोला, वहीं आके बताएंगे यार क्या है। कुछ कुछ बुकिंग हमने वहाँ के लिए भी रखी है ताकि क्योंकि वहाँ पर बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आराम से करेंगे वहाँ पर। राहुल सेठ अपने जूते लेना है, जूते भी धोते नहीं है, साफ़ करवाते हैं यहाँ से मोची से। मेरे पापा को, पापा ने भी इनका ही बोला था, मैं यहाँ पे आया ही नहीं पाया। और सफ़ा चेक कर दी हमने उसको, जिसको जूते धुलाने रतलाम में आ जाना भैया। ये जूते ले लिए साला, मैं बैठ के घिस घिस के मैं साफ कर। इसने कितने रुपए लिया? 200 रुपए में कितने जोड़ी? 200 रुपए में दो जोड़ी जूते साफ हो गए पूरे, एकदम वाइट हो गए। अरे पूरे लाल हो गए थे। सही है एकदम। अच्छा चलो अगली बार आएंगे, ये अब जा रहे हैं। ये क्या हो गया इधर? जाम लग गया, जाम। खाना वाना हो गया तेरा? सागो के नमकीन लेके जाएंगे वियतनाम। वो खाने प्लेन में महंगे मिलते हैं क्या? वो चिप्स लेनी है कि खराब हो जाती है ये वाली, या फिर ये वाली, या फिर वो काली मिर्च वाली है और इसे? वो ये लेना, ये नट केले के सेल थे, मटर देख लो तुम खाते, मेरे को तो इतना नहीं, इतना मजा नहीं आता मटर। अरे ये ले लेते ना सेठ यार, ये क्या बोलते हैं उसको, खाकरा। खाकरे तो हम मैंने थाईलैंड में अच्छे खासे लिए थे, दो तीन ले लिए थे, दो तीन रख ले। सादा सादा एक सादा दे दो, एक कोई सा। कौन सा ले लिया? पंजाबी। कितने सारा आइटम हो गया यार। सेठ मैं बोल रहा हूँ सेव कम कर देते हैं। अरे वो हैं सौरभ रोएगा एक तो यार, हमारे इसमें एक हम लेडीज़ को भी ले जा रहे हैं वॉइस ट्रिप पे, सौरभ नाम के, तो उसको क्या है कि ज़रा सी चीज़ कम हो जाए तो नुक्स निकाल देता बहुत सारे। तो ये हमारा फाइनल भूख लग गई, तो हम दही खिचड़ी खाना आ गए यहाँ पे, नई जगह आई है। शूज कौन से? क्रॉक्स पहन लूँगा यार, या देखता हूँ वो वाइट वाला शू पहन लूँगा। भैया खिचड़ी में पहली बार खा रहे हो भैया? ज़रा से डालना टेस्ट कर यार, बस बस तभी बस बहुत। जोरदार भैया, अप्रूव आ सकते हो।
हाँ तो भैया घर आ गए हम लोग, सब कुछ अपना छोटा मोटा काम जो भी था करके, अब पैकिंग वैकिंग हो रही है, बहुत गंदी तरीके से पैकिंग कर रहा हूँ। और बाग कल कटाए थे मैंने यार, बहुत ही एक मैं तुमको एडवाइस दूंगा, कहीं भी जाना हो तो जाने से पहले बाल मत कटवाना, थोड़ा एक हफ्ते या दो हफ्ते का गैप लेना, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, इतने गंदे बाल काटे तो कोई ऐसा आगे रखने पड़ रहे, बस साइड से काट दिया उसने, अब आगे ऐसे कुछ भी जमा के रख रहा हूँ। एनी वेज क्या कर सकते। तो हमने बता दिया क्या मैंने तुमको कहाँ जा रहा हूँ? हाँ शायद बता ही दिया होगा। तो हमने कैश भी ले लिया है VND, कुछ 2.5 करोड़ कुछ है, देखो कितने का ही 5 लाख का एक है, देख लो आप। नाम थ्राम नाइंग थोंग फुली रेसिस्ट। तो ये अपन ने ले लिया है कैश, अब इस सबसे बड़ा रिस्क यही है कि इसको लेके मुझे जाना है दिल्ली। अगर ये घूम गए तो मैं इसको स्प्लिट वाइज में डाल दूंगा और बाकी दोस्तों में डिवाइड कर दूंगा। तो फाइनली पैकिंग हो गई है बहुत देर बाद, एक हफ्ते के ट्रिप में भी बहुत कपड़े ले जाने पड़ते हैं आजकल यार, अरे बाप रे, भारी सा तो लग रहा ही है। तो अपने पास है ना ये मशीन है, इस पर अपन डाल के देखते हैं कि क्या वेट हो रहा है। चल चल घुस, उसको कर दिया 0। ये काफी अंदर है यार, बहुत ही 12 किलो इतनी मेरे को दिख रहा था, बहुत जगह, बहुत ही जगह। मैं हम लोग इंडिगो से जाएंगे तो उसमें 30 kg अलाउड है और प्लस कैरी बैग भी है, बट 30 का सीन वही आ रहा है कि जब हम डोमेस्टिक फ्लाइट लेंगे वियतनाम से तो वहाँ पे 20 kg ही अलाउड है। तो हमारे यहाँ देखो कुत्तों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसने अभी नहीं दिया छोटे छोटे पिल्ले, और इसने भी दिए, इसके पता नहीं कहाँ है। तेरे कहाँ है रे बच्चे, कहाँ है तेरे बच्चे, हैं? देखो तो सही यार, कैसे पालेंगे इन सबको। क्या चाहिए? ए गुस्सा मत कर, ये इसका बच्चा नहीं है तो ये गुस्सा कर। ए क्या है, हाँ पता तेरे को, वो अंदर वो ट्राई कर रही है घर में घुसने का अंदर, उसको खाना खाना है, बच्चे चाह रहे हैं कि दूध पी ले। ये भी माँ, ये माँ नहीं मतलब ये भी लड़की है, ये भी कुछ टाइम बाद बच्चे देगी बहुत सारे। सेक्स एजुकेशन नहीं आती तुम लोगों को, स्टूपिड। हे गाइस, अभी सौरभ के घर आ गए हैं गुड़गांव में, कुछ दिखाया नहीं मैंने यार क्योंकि रात की ट्रेन थी और ऑलमोस्ट छूट जाती है, लेकिन राजधानी थी मेरी तो मेरे को पता नहीं था कहाँ पे आएगी, तो मैं B2 में चढ़ा, B2 से B3 B4 और ट्रेन चल दी, B2 से B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 पेंट्री फर्स्ट AC सेकेंड AC का फर्स्ट कोच और A2। हालत ख़राब हो गई, सामान ले जाते फिर जिस सीट पे जो मेरी सीट थी वहाँ पे एक अंग्रेज बैठा हुआ था, तो अब अपन बनने चले अच्छा, तो उसने बोला रिक्वेस्ट करा कि तुम ऊपर चले जाओगे क्या, तो मैं बोला अतिथि देवो भव, तो जाना पड़ा ऊपर, और मैं ऊपर गया और इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई गाइस कि कभी किसी को अच्छा करने की कोशिश मत करना तुम्हारा कट जाएगा बहुत। मैं ऊपर गया, ऊपर इतना गंदा सा डिज़ाइन ऐसे करके लेटा रहा पूरे टाइम में, ना बैठ पा रहा था क्योंकि बैठने को भी हाइट में जगह नहीं थी, पैर भी सीधे नहीं हो पा रहे थे, तो मैं 1 मिनट भी नहीं सो पाया। फिर यहाँ आया हूँ, इसके घर अभी हमारी फ्लाइट है 5 बजे, तो अभी कुछ खाना वाना खाएंगे फिर निकलेंगे 1-2 घंटे में, मिलता हूँ आपको बाद में। ओहो, उसकी एक अलग ट्रिप चल रही है मुंबई की। हे गाइस वेलकम बैक,
अभी हम निकल गए और हाय सौरभ से हाय 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 2000 लोगों 200 तो अभी हम निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए टाइम पूरे यार क्या हो गया क्या भूल गए घड़ी भूल गए आई वॉच भैया कल डालो यार प्लीज एक बार घर पे घड़ी रह गई यार सबसे पहले मैं नीचे उतरा तो मेरा फोन रह गया था अब मेरी घड़ी रह गई आई शुड नॉट गो मेरे को बहुत डर लग रहा है यार कि मैं कुछ ना कुछ छोड़ जाऊंगा और ये मोबाइल छोड़ दो पहले फर्स्ट थिंग मोबाइल छूट गया यार उसकी एप्पल वॉच भी छूट गई यार फोन छोड़ दिया ना उसने तो ना वो उसके बेड पे पड़ी होगी तो एक बार देखना एप्पल वॉच उठाना उसकी अरे हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे यहाँ पे तो भैया को बैठा के ला रहे मैं कहीं जाने लायक नहीं हूँ ऐसा लग रहा है पासपोर्ट तो है मेरे पास वॉलेट भी है अरे यार दो ही तो चीजें हैं यार सुना सुना लग रहा था मेरे को तो लगा क्या रह गया यार कुछ तो रह गया ये तो अच्छा अपन यहाँ तक आए तब तुमको याद आई लाउंज में बैठे हैं हम ये प्लेट है कोल्ड ड्रिंक है बहुत खास वाला पिज्जा मज़ा नहीं आया टर्मिनल टू में टर्मिनल टू का लाउंज अच्छा नहीं दम नहीं इससे बेटर ऑप्शन बता दे क्या है टेस्ट ऑफ इंडिया सबसे यहाँ से खा लो बाहर से टर्मिनल टू दिल्ली से अच्छा टेस्ट ऑफ इंडिया कॉफी अभी यहाँ पे वो भी और भी ऑप्शन है शायद पब बार बार भी है पब बार बार चलो हाँ हाँ वो मिल जाएगी हाँ वहाँ पे मिल जाएगी वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी बियर बियर कौन पीता अपने में फ्रूट ब्रीजर आइया सब कुछ हो गया लाउंज वाउंज में पेल के तो नहीं बहुत कम खाया इस बार अब हम जा रहे हैं वैसे तो हमारा बोर्डिंग का टाइम हो गया बट अब सौरभ अमीर हो चुका है तो ये एयरपोर्ट से शॉपिंग कर रहा है बट जा मिनीसो ही रहा है तो इसको बेल्ट दिलवाते हैं पैजामा ढीला चल रहा है इसका हाई डिज़ाइन से ले लेना 3000 वाला बेल्ट क्यों यू कैन अफोर्ड इट यार हाँ 15 दिन की सैलरी थोड़ी निकालनी है बेल्ट में 15 दिन की 3000 है तेरी हाँ तू क्या टिकट रेस करता है या पांडे जस अब हम जा रहे हैं सुसु करने गाइस आपको अपडेट देता रहूँगा मैं कैसा था प्रेशर सुसु करने बट अगर कुछ और कॉल्स आ गई तो ये नेवर एक मिनट अपना नाम तो नहीं चलो हम जा रहे हैं हाँ तो यार बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है तूने रील सोची कि नहीं क्या क्या बनाना डांस के अलावा भी तो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली कोलकाता के लिए अब हम जाएंगे कोलकाता से जाएंगे हम हनोई वियतनाम में सो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगा क्योंकि अगला व्लॉग चालू होगा वियतनाम Day 1 के नाम से बेहतरीन कोलकाता से अपना दोस्त आएगा राहुल और हम तीन जाएंगे इसकी बैचलर पार्टी में ही इज मैरिंग सेकेंड टाइम कॉल हिम अब्दुल ठीक है गाइस वेरी ऑफेंसिव मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में टाटा बाय बाय